से बहुत बुरा लगा कि मैंने कुछ ट्राई किया और नहीं हुआ। बहुत अंदर से बुरा लग रहा था। और सोसाइटी में भी लोग हैं 50-100 तरीके की बातें करते हैं, कुछ अच्छी करते हैं, कुछ बहुत अच्छी करते हैं। मैं जानता हूँ, ऊपर वाला जानता है कि मैंने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। और 3 महीने मैंने मेहनत की और दिसंबर के महीने में मैंने एंट्रेंस दिया। जनवरी में रिजल्ट आया और मेरा जीएनयू में रशियन लैंग्वेज में सिलेक्शन हो गया। वो कहते हैं कि नियत हो तो नियति भी आपका साथ देती है। अब मैनपुरी के सूरज तिवारी को ही देख लीजिए। एक ट्रेन एक्सीडेंट में हाथ पैर कट गए, जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगा, लेकिन आज अफसर बनने जा रहे हैं। यूपीएससी परीक्षा में 917 रैंक आई है, लेकिन जिस हालत और हालात में उन्होंने पढ़ाई करके मुकाम हासिल किया वो अपने आप में अविश्वसनीय है। बात 2017 की है। एक ट्रेन हादसे में सूरज तिवारी ने दोनों पैर गवा दिए, एक हाथ भी नहीं है और दूसरे हाथ में सिर्फ 3 उंगलियां हैं। 6 साल पहले एक हादसे में उन्होंने शरीर के बेहद जरूरी अंग खो दिए। इस हादसे ने वैसे ही सूरज और उनके परिवार को पूरी तरह तोड़ दिया था, लेकिन अभी एक और गाज गिरनी बाकी थी। कुछ ही समय बाद सूरज के एक भाई की मौत हो गई, इससे घर की माली हालत और खराब हो गई। सूरज के पिता राजेश तिवारी टेलर मास्टर हैं। मैनपुरी के कुरावली गांव में एक छोटी सिलाई की दुकान चलाते हैं। एक बेटे के हादसे में हाथ पैर चले गए, दूसरे बेटे की मौत हो गई। इसके बाद पिता की भी मानसिक हालत का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है, लेकिन सूरज ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा देने का इरादा किया और इसके लिए पूरी शिद्दत से तैयारी की। जीवन सामान्य था, सामान्य सपने थे। अचानक से 29 जनवरी 2017 को मेरा एक रेल दुर्घटना में मेरा एक एक्सीडेंट हो जाता है। मैं चलती गाड़ी के अंदर था और काफ़ी भीड़ होने की वजह से मैं नीचे पटरी पे गिर गया और मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने अपने आप को एम्स में पाया, और जब एम्स मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं अपना शरीर का जो अहम हिस्सा होता है वो मैं खो चुका हूँ। शायद उस समय मुझे ऐसा लगता था कि मैंने अपने पैर खो दिए, अपने हाथ खो दिए। और वो मोमेंट मेरी लाइफ का ऐसा था कि मैं उस मोमेंट को बता नहीं सकता हूँ कि वो क्या मोमेंट था मेरे लिए। कि जब डॉक्टर आया पहली बार, मैंने आंखें खोल ली, मैं होश में आया, डॉक्टर मेरे सामने खड़ा था। तो डॉक्टर कम टू मी एंड ही सेज व्हाट इज़ योर नेम। मैंने बोला कि मेरा नाम सूरज है। देन उन्होंने मुझसे बोला कि आपका एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है और आप जानते हैं इस एक्सीडेंट के बारे में। तो मैंने बोला नहीं सर, मुझे लगा कि गिर गया होगा, छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया होगा। तो बोले कि आपका एक्सीडेंट हुआ है और आपने के दाहिने हाथ की 2 उंगलियां चली गई हैं। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि मेरे शरीर का एक अंग चला गया। मैं इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मी टू अंडरस्टैंड विदाउट 2 फिंगर्स हाउ इट इज़ पॉसिबल। एंड आई वॉज थिंकिंग, एंड आफ्टर 2 आवर्स अनदर डॉक्टर केम टू मी एंड ही टोल्ड द सेम थिंग, आई आस्किंग द सेम थिंग अबाउट माई नेम, अबाउट माई फैमिली। एंड ही टोल्ड कि आप जो है, आपको पता है कि आपका एक्सीडेंट हुआ है। तो हाँ सर, तो बोलते हैं कि आपका सीधा हाथ नहीं है। तो मेरे लिए एक शॉकिंग मोमेंट था कि डॉक्टर ने बताया था मेरे दाहिने हाथ की 2 उंगलियां नहीं है, आप बोले सीधा हाथ नहीं है। उससे मेरा पूरा बॉडी जो था सेंसिबल नहीं था। तो उन्होंने मेरा हाथ को उठाया तो आई वॉज शॉक टोटली। तो बहुत परेशान हो गया कि अब कैसे क्या होगा, कि हाथ नहीं है, बिना हाथों के मैं क्या करूँगा। दुनिया में सर्वाइवल के लिए हाथ ज़रूरी होते हैं। मैं अपसेट था बहुत ज़्यादा। फिर कुछ समय के बाद में 2 डॉक्टर और आते हैं, और जब वो मेरे पैरों के बारे में मुझे बताते हैं तो मेरी लाइफ का सबसे टफेस्ट मोमेंट वो था, जो कि जब डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरे पास कुछ नहीं है। मैं सोच रहा था मैं मेरी ज़िंदगी का क्या होगा, मैं कैसे जीऊँगा और मैं जीऊँगा क्यों। मुझे मेरी लाइफ का कोई पर्पस नहीं दिख रहा था, कुछ एकदम अंधेरा सा सामने था, कुछ दिख ही नहीं रहा है। फिर डॉक्टर्स ने मुझे काफ़ी समझाया, काफ़ी मोटिवेट किया, मुझे बहुत सारे वीडियोज़ दिखाए, बहुत सारे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के बारे में बताया कि
उनके बिना हाथ पैर होते हुए भी उन्होंने ज़िंदगी में वो करके दिखाया जो कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। और उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया, काफ़ी समझाया कि कुछ नहीं खोया है ज़िंदगी में, बहुत आगे जा सकते हो। लेकिन उस समय दर्द इतना था कि वो मोटिवेशन शायद काम उतना नहीं किया। लेकिन 6 महीने मैं उस दर्द के साथ रहा हूँ, मेरा करीब 6 महीने एम्स में ट्रीटमेंट चला है। इसी बीच मेरे एम्स में है एक जीनू के ही स्टूडेंट हैं प्रकाश भैया, तो वो मुझे वहाँ मिले और उन्होंने मुझे स्माइल करते हुए देखा। वो मेरे पास आए, मुझसे बोला कि आप क्या करते हैं, तो मेरे पास तो मेरी कहानी है, उसके सिवा तो कुछ है ही नहीं। तो मैंने उनको बताया कि भैया ऐसे ऐसे मेरा 4 महीने पहले एक्सीडेंट हो गया है, उससे पहले मैं नॉर्मल अपनी ज़िंदगी जी रहा था। तो उन्होंने मेरे एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में पूछा, तो मैंने बताया कि मैंने 12वीं किया हुआ है, इसके आगे हालात नहीं बन पाए कि मैं अपनी अपनी स्टडीज़ को आगे कंटिन्यू रख सकूँ। देन वो मुझे जेएनयू लेके आए, उन्होंने मुझे जेएनयू के बारे में काफ़ी बताया, मुझे इंटेंस देने के लिए काफ़ी प्रेरित किया। तो मैंने उनको बोला भैया अब नहीं हो पाएगा, मैं कैसे क्या करूँगा, बहुत मुश्किल है पढ़ाई करना इन हालातों में। तो उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया और उन्होंने मेरा जेएनयू का पहला एंट्रेंस का फॉर्म फिल कर दिया। देन मैंने मई के महीने में जेएनयू का एंट्रेंस दिया और उसके बाद में मैं चला गया घर। जेएनयू का रिजल्ट आया तो उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो अंदर से बहुत बुरा लगा कि मैंने कुछ ट्राई किया और नहीं हुआ। बहुत अंदर से बुरा लग रहा था और सोसाइटी में भी लोग हैं 50-100 तरीके की बातें करते हैं, कुछ अच्छी करते हैं, कुछ बहुत अच्छी करते हैं। तो ज़िंदगी इस तरीके से थी कि समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। एक उम्मीद थी कि जेएनयू में सिलेक्शन हो जाएगा, वहाँ से भी हुआ नहीं। एक हताश मन, जिधर भी देख रहे हैं उधर अंधकार ही दिखाई दे रहा है, कहीं से रोशनी की उम्मीद नहीं दिख रही है। लेकिन उसी साल जेएनयू के इतिहास में ऐसा हुआ है कि उसी वर्ष जेएनयू का दोबारा एंट्रेंस हुआ। और जब मुझे पता लगा कि उसी साल जेएनयू का दोबारा से एंट्रेंस हो रहा है, तो मैं ये मौका खोना नहीं चाहता था। तो मैं जानता हूँ, ऊपर वाला जानता है कि मैंने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। और 3 महीने मैंने मेहनत की और दिसंबर के महीने में मैंने एंट्रेंस दिया, जनवरी में रिजल्ट आया और मेरा जेएनयू में रशियन लैंग्वेज में सिलेक्शन हो गया। मैं जेएनयू में मेरा सिलेक्शन हुआ, मैं 23 जुलाई 2018 को जेएनयू में मैं पहली बार आया। पहली बार आने के बाद मैं मुझे जेएनयू के बारे में पता नहीं था पहले, फिर जेएनयू आने के बाद पता लगा कि यहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम होता है। मैं पहले जानता ही नहीं था कि सेमेस्टर भी कुछ होता है, तो यहाँ पता लगा सेमेस्टर होता है और हर सेमेस्टर में पास करना ज़रूरी होता है कि अगर आप पास नहीं करेंगे तो आप बाहर हो जाएंगे। तो एक फियर था कि अगर जेएनयू मेरे हाथ पास नहीं तो कुछ भी नहीं मेरे पास में, तो उसके लिए पढ़ना था। तो पहला सेमेस्टर पढ़े आसान था, सेकंड सेमेस्टर में थोड़ा सिलेबस हार्ड हुआ तो लाइब्रेरी जाना स्टार्ट किए। लाइब्रेरी गए तो वहाँ पे मेरे काफ़ी सीनियर्स थे, वो ऑलरेडी यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे थे, तो मैंने उनसे उनके थ्रू मुझे यूपीएससी के बारे में पता लगा। फिर मैंने इसके बारे में और थोड़ा जानकारी इकट्ठा किया, लोगों से बात किया, तो मुझे पता लगा कि क्या क्या सिलेबस है, किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। और फिर मैंने एक अपना प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाकर मन में सोच लिया कि ठीक है अब तो कुछ तो करना है। बहुत लोगों ने बोला कि लोग 5 बार अटैम्प करते हैं, 6 बार अटैम्प करते हैं, लोगों का नहीं होता है, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट। तो मैंने मन में सोचा कि ठीक है नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन ट्राई करने में क्या जा रहा है। तो मैंने एक ट्राई किया और मैंने पहला अटैम्प्ट दिया तो मेरा नहीं हुआ। 2021 में मैंने पहला अटैम्प्ट दिया, नहीं हुआ। लेकिन 2022 में जब मैंने दोबारा अटैम्प्ट दिया तो फिर मेरा प्री में सिलेक्शन हो गया, मैं बहुत खुश हुआ। फिर मुझे मेंस देना था, मैंने मेंस के लिए प्रिपरेशन किया, मैंने मेंस की परीक्षा दिया, फिर मेंस का रिजल्ट आया, बहुत खुशी हुई। तो बहुत डर भी था अंदर से कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि इस मुकाम पर आकर बहुत अंदर से फील होता है कि अब क्या होगा, मतलब या तो ये होगा या ये होगा। तो इसी बीच मेरा मैंने रशियन में जीआरएफ की परीक्षा दी और जीआरएफ मैंने क्लियर कर लिया। मेरा इंटरव्यू की डेट से 1 महीने पहले मेरा जीआरएफ का रिजल्ट आ गया था। तो जीआरएफ के रिजल्ट ने मुझे बहुत मोटिवेशन दिया, मुझे एक ऐसी हिम्मत दी कि मुझे रीढ़ की हड्डी के जैसे काम किया उसने। जीआरएफ के मेरे उस रिजल्ट ने मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन दिया कि मेरे पास कुछ तो है, मेरे आगे फ्यूचर के लिए मेरे हाथ में कुछ है। देन मेरा इंटरव्यू था 24 अप्रैल को, मैंने इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यू का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा, पैनल बहुत अच्छा था और वो मोमेंट भी मेरी लाइफ का एक मेमोरेबल मोमेंट रहा है।
सूरज ने ये भी बताया कि उनसे यूपीएससी इंटरव्यू में क्या कुछ सवाल पूछे गए। मेरे सवालों की शुरुआत मेरे जिले से हुई। चेयरपर्सन मैम थी, उन्होंने मुझसे पूछा कि कैन यू टेल मी अबाउट योर डिस्ट्रिक्ट। तो मैंने अपने शहर के बारे में जो कि मुझे पता था मैंने उनको बताया। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपने रशियन लैंग्वेज बैचलर्स के लिए क्यों चूज़ किया। तो मैंने उनको पूरा बताया कि मुझे JNU में आना था और JNU में आने के लिए एक लैंग्वेज ही ऑप्शन था और उसमें मैंने रशियन में सिलेक्शन हुआ। तो मैंने रशियन को चूज़ नहीं किया, एक्चुअली रशियन चूजेज मी। सो सी सेज नाइस एंड सी सो हैप्पी टू हियर दिस। क्या आपके एक्सीडेंट से रिलेटेड भी इंटरव्यू में बात हुई या फिर उन्होंने आपको बाकी कैंडिडेट की तरह ट्रीट किया? उन्होंने बाकी कैंडिडेट की तरह रशियन से सवाल पूछे, रशिया यूक्रेन वॉर से रिलेटेड सवाल पूछे, फिर यूपी से रिलेटेड सवाल पूछे, देन उन्होंने JNU से रिलेटेड सवाल पूछे। कोई एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल जो आपसे पूछा हो JNU से रिलेटेड? JNU से रिलेटेड जो सवाल फेमस है उसको सबको पता है कि वाई JNU इन कॉन्ट्रोवर्सीज, तो इसका जवाब तो सभी को पता ही है। तो जो जवाब है मैंने वही जवाब दिया एंड उन्होंने बोला कि हम सब लोग जानते हैं JNU में क्या होता है, तो आप रिलैक्स फील करिए और जस्ट आपको जो आंसर आ रहा वो बताइए। और जो सच्चाई है जो सबको पता है वही मैंने बताया कि JNU जो है जो वही मैंने बताया। सूरज ने बताया उन्होंने बिना कोचिंग के ही UPSC परीक्षा की पूरी तैयारी की। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से कोई भी कोचिंग नहीं ली है और मैंने मॉक दिए हैं इंटरव्यू के लिए, कुछ मॉक्स हैं वो मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके दिए हैं। और जैसा कि घंटों वाली बात की तो मेरी प्रिपरेशन में घंटों का हिसाब रहा नहीं है क्योंकि मेरी स्ट्रेटजी ही मैंने अलग बनाई। मैंने स्ट्रेटजी मेरा सुबह 9 से लेके 1 बजे तक मेरे सेंटर पे क्लासेस होते हैं, तो मेरा रूटीन था कि मंडे टू फ्राइडे वो अटेंड करना है, उसके बाद आके खाना खाने के बाद में लाइब्रेरी जाना है और फिर उसके बाद में जो भी समय मिलना है वो UPSC को ही देना है। तो जो भी समय मुझे मिला अपने निजी कामों को छोड़कर और रशियन की एकेडमिक्स को छोड़कर मैं सारा समय मैंने UPSC को ही दिया है, तो और शायद आज उसी का फल ये है। परिवार के बारे में बताइए, जब पिताजी को पता चला तो उन्होंने बात की, क्या बोला? मैंने जब पिताजी को फ़ोन किया मैंने बोला कि क्या कर रहे हो, तो बोले कि बैठा हूँ काम कर रहा हूँ। तो मैंने उनको बोला कि सिलेक्शन हो गया है, तो उन्होंने बोला कि सच में? मैंने बोला हाँ सिलेक्शन हो गया है, मिठाई बांट दो। तो फिर उन्होंने मुझसे बात ही नहीं की, फिर उन्होंने छोटे भाई को फ़ोन दे दिया और मिठाई लेने चले गए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है और फिर वो हताश हो जाते हैं कि अब हम जीवन में क्या करें। उनके लिए आप एक बहुत बड़ी प्रेरणा है, कोई संदेश आप उनके लिए देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं ये जानता हूँ कि एक इंग्लिश में मैंने एक लाइन पढ़ा था, मैं उसको बोलना चाहूँगा, देर आर मिलियंस ऑफ सन हाइडिंग बिहाइंड डार्क क्लाउड्स एंड I am giving them hope to come out and shine in this bright sky. बेटे की सफलता पर अब सूरज के माता पिता भी फूला ना समा रहे हैं। तो शुरुआत में तो पढ़ाई पढ़ाई थी तो कमाते थे और पढ़ाई में लगाते थे, और उसके बाद में फिर एक्सीडेंट हो गया, फिर तो गवर्नमेंट ने उनकी पूरी पढ़ाई की जिम्मा ले लिया। जब IQ उसमें से निकला था IQ में से, तो उसने कहा पापा आप घबराने की चिंता मत करो, अभी तो 3 उंगली हैं, अगर एक भी उंगली होती फिर भी हम आपको आपका नाम नीचे नहीं गिराएंगे। बड़े आदमी बनने की उन्हें काफ़ी तमन्ना थी, इसीलिए वो चले गए थे इंटर के बाद, बोले थोड़ा सा बाहर नौकरी भी करता हूँ। वहीं पे उनके साथ ये हादसा हो गया 2017 में 29 जनवरी को। उसके बाद हादसा के बाद 4 महीने ट्रीटमेंट हुआ, उसके बाद में फिर एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद तमाम चीज़ें बिखर सी गई होंगी। जी 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 फिर हाँ तमाम जी काफ़ी चीज़ें बिखर गई थी उसके, इनके एक्सीडेंट के जस्ट बाद ही 2-4 महीने बाद में ही बड़ा बेटा एक्सपायर हो गया था, तब तो काफ़ी दिक्कतें आ गई थी घर में। फिर धीरे धीरे प्रभु की कृपा से इन्हें JNU में एडमिशन इनका हो गया, तो पढ़ाई वढ़ाई क्लियर हो गई इनकी।